जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है। Let's see this video of Indian media. क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। अरे यार वर्ल्ड कप खेलने आपकी टीम आई है और आप कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। और इस बयान को सुनने के बाद न जाने मुझे क्यों वो एक मुहावरा याद आया जिसमें कहा गया था कि एक मछली पूरे तालाब को कई बार गंदा करती है। अब ये टीम आपकी पाकिस्तान की इंडिया आई है, इतना बड़ा बढ़िया वेलकम हुआ है, दुश्मन मुल्क में चले गए हैं जी। ज़का अशरफ के दुश्मन मुल्क की स्टेटमेंट पर इस वक्त भारतीय साफी काफी भड़के हुए हैं, क्योंकि भारत में जितना पाकिस्तानी टीम को प्यार मिला है वो आपने हमारी वीडियोस में देख लिया होगा। और उसके बाद पीसीबी चेयरमैन की जानिब से दुश्मन मुल्क जैसी स्टेटमेंट निकल कर आना, इस पर अब भारतीय साफी काफी गुस्सा है। तो चलिए आपको भारतीय साफियों की जुबानी सुनाते हैं कि ज़का अशरफ की स्टेटमेंट पर अब वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम आ गई इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए हैदराबाद, और जब उनकी टीम एयरपोर्ट पर पहुंची उनकी टीम ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। प्लेयर्स बड़े खुश थे। फिर जी वहां से निकले, एयरपोर्ट से वो होटल आए, उन्होंने कल एक्साइटमेंट में पाकिस्तानी मीडिया को एड्रेस करते हुए ये बोला कि जी हमने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कॉन्ट्रैक्ट में इतना पैसा कर दिया है मैंने कि प्लेयर्स खुश हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। अरे यार वर्ल्ड कप खेलने आपकी टीम आई है और आप कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, और पाकिस्तान से ही आप लोग कहते थे कि यार स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत कीजिए। और अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने अपने आप को कंडक्ट अच्छा किया था। ये शब्द है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ज़का अशरफ के। और इस बयान को सुनने के बाद न जाने मुझे क्यों वो एक मुहावरा याद आया जिसमें कहा गया था कि एक मछली पूरे तालाब को कई बार गंदा कर देती है। मतलब आप सोचिए ना कि हैदराबाद में जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल रही है, सराखों पर लोगों ने रखा, चाहे इंडियन क्रिकेट फैंस हो, बस ड्राइवर से लेकर होटल स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ, और चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हों, चाहे शाहीन अफरीदी जिन्होंने कहा कि क्या शानदार वेलकम हो, बाबर आजम, फखर जमान, शदाब खान, तमाम खिलाड़ियों की तरफ से जो उनका फर्स्ट रिएक्शन आया है वो भी कह रहे हैं यार दिल खोल कर हमारा स्वागत किया गया, इतनी तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान के तमाम लोग जो है वो ट्रेंड चला रहे हैं कि जी थैंक यू इंडिया। इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी अतिथि देवो भवा, हमारी परंपरा रही है और उस परंपरा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट कह रहे हैं हमने पैसे दिए, इतने पैसे कहां मिलते थे? वाओ, दुश्मन देश में खेलने जा रहे हैं, वहां भी जाएं सपोर्ट करेंगे दुश्मन देश। अब ये टीम आपकी पाकिस्तान की इंडिया आई है, इतना बढ़िया वेलकम हुआ है, दुश्मन मुल्क में चले गए जी। ये मतलब समझ में नहीं आई मुझे उन्होंने बात करी क्यों है। ये स्टेटमेंट है उनका कि आपको देखना चाहिए जब ये दुश्मन मुल्क में खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है तो आपको आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहां अच्छे तरीके से वो प्रदर्शन कर सके। तो मतलब यही उन्होंने बोला है कि भैया जब ये दुश्मन मुल्क जाएं तो आप सपोर्ट करिए ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ये ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन है, इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी, मतलब अजीबो गरीब एक तरीके से बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तानी प्रेस पे, पूरे हिंदुस्तानी प्रेस पे, वापस आ जाइए रॉबिन आदित्य, वापस आ जाइए, पूरे पाकिस्तानी प्रेस पे, पूरे हिंदुस्तानी प्रेस में, हर जगह पर, सोशल मीडिया पे, इंडियंस एंड पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी, कितनों ने आके मुझे थैंक्स बोला है या कितनों ने आके इंडिया को थैंक्स बोला है, बीसीसीआई को थैंक्स बोला है कि भाई आपने कितना अच्छा वेलकम दिया है, इतना तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे।